हेलो डियर स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो लेसन वी शैल ट्राई टू लर्न अबाउट फैब्रिक्स एंड वी विल लर्न अबाउट द प्रोसेस थ्रू विच वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ अ फैब्रिक कम टुगेदर टू मेक इट ओके इस चैप्टर में हम फैब्रिक के बारे में पढ़ेंगे फैब्रिक आर बेसिकली क्लोथ इन जनरल टर्म्स क्लोथ्स के बारे में पढ़ेंगे हम समझेंगे समझेंगे कि क्लोथ्स किन चीज़ों से मिलके बनते हैं और किस प्रोसेस से होकर गुजरते हैं क्या सोर्स होती है इन क्लोथ्स को बनाने की ओके तो ये बात हम सबको पता है कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं फैब्रिक्स पहनते हैं आप किसी शॉप पर भी जाते हैं वेन यू गो टू एनी शॉप ना यू ऑलवेज आस्क विच काइंड ऑफ क्लोथ इज़ इट इज इंट इट आपका जो क्लोथ है इट मे बी अ कॉटन टी शर्ट और इट मे बी अ सिल्क टी शर्ट ओके Uh, in the winter season, we uh, go and purchase woolen clothes, unibas तरी pehante hain So all these clothes, they are made up of these types of components also, isn't it? aas आसपास bahut sare aise fabrics हैं surroundings mein bed sheets, blankets, curtains, हमारा table cloth हो गया, towel हो गया, यहाँ तक कि आपका school bag हो गया। All these are made up of some kind of fabric. अभी हम next स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि ये फैब्रिक्स किस टाइप की होती हैं और किन किन चीजों से बनती हैं ऑल दीज फैब्रिक्स ऑल दीज फैब्रिक्स आर मेड ऑफ यान आर मेड अप ऑफ फाइबर्स ठीक है ये जितने भी फैब्रिक्स हैं जितने भी क्लोथ्स हैं ये एक कलेक्शन ऑफ थ्रेड से बने होते हैं जिनको हम यान बोलते हैं ठीक है इन थ्रेड्स को हम फाइबर्स बोलते हैं अभी मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ यस एज यू कैन सी दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ फैब्रिक एक फैब्रिक का क्लोथ है अगर आप किसी टेलर के पास जाओ उसको आप एक फैब्रिक देते हो है कि नहीं वेन एवर यू गो टू अर टेलर यू गिव हिम अ फैब्रिक फॉर स्टिचिंग clothes. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैब्रिक इफ यू क्लोजली look टूगेदर दिस एट दिस फैब्रिक इट इज कम्पोज ऑफ मैनी यान्स बहुत सारे यान्स मिलके बनाते हैं यान मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ थ्रेड्स होते हैं ठीक है धागे होते हैं जिनको हम फर्दर तोड़ते हैं स्मॉल स्मॉल अगर जो कि एक सिंगल जो थ्रेड होता है उसको हम बोलते हैं फाइबर ठीक है अ ग्रुप ऑफ फाइबर टुगेदर मेक्स अ यान एंड द ग्रुप ऑफ यान टुगेदर मेक्स इन टू अ फाइबर ओके सो इन दिस मनर वी गेट अ फैब्रिक ये एक फैब्रिक का स्ट्रक्चर है अभी हम और क्लोजली देखेंगे स्ट्रक्चर को ठीक है ये कंटिन्यूस पीस था नाउ तो हमने अगर ध्यान से देखा तो दिस फैब्रिक इज़ मेड अप ऑफ थ्रेड्स और यान्स ठीक है जो कि एक साथ स्टिच्ड होते हैं एक साथ लगे हुए होते हैं ठीक है थीके? और जब हम इन यान्स को इन थ्रेड्स को निकालेंगे कॉर्नर ऑफ एक कॉर्नर से अगर मैं किसी भी कपड़े का अगर देखूँ अगर आप देखें आपके पास एक सैक है या कोई क्लोथ है उसके कॉर्नर से अगर आप खोलते हैं उसको तो बहुत सारे थ्रेड्स निकल के आते हैं ना जुअल थ्रेड इनको हम बोलते हैं यान. ठीक है वॉट डू वी कॉल इंडिविजुअल थ्रेड्स वी कॉल वाई ए आर एन ओके सो यू ऑल नो वट इज यान यान इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ फाइबर्स और थ्रेड्स ठीक है इट्स थीक्नेस इज मोर ठीक है तो कुछ थिन स्ट्रैंड्स में निकल के आई और ये थिनर स्ट्रैंड्स जो और, और अगर मैं इस इन स्ट्रैंड को अभी जो मैंने ये निकाले ना ये थिन स्ट्रैंड सेपरेट किए हैं इनको मैं और अगर ओपन करने की कोशिश करूंगा साइड से स्प्लिट करूंगा देखो इस यान को मैंने स्प्लिट किया तो आप दिख रहे हो वही यान स्प्लिट हुआ है टू डिफरेंट दिख रहे हैं दिस इज थ्रेड नंबर वन थ्रेड नंबर टू इनको हम बोलते हैं फाइबर वॉट डू वी कॉल देम फाइबर सो अ फाइबर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ इन अ फैब्रिक ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एक फैब्रिक में जो कि किसी भी जब ये आपस में कलेक्शन इनका बनता है तो उसको हम यान से यान कहते हैं और यान्स के कलेक्शन से वी घट अ फैब्रिक थ्रू विच वी मेक अ क्लोथ ठीक है नाउ वी वी शैल सी द सोर्सेस ऑफ फाइबर्स हमें ये फाइबर्स जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कहाँ से मिलता है ठीक है ऐसा तो है नहीं कि हमको नेचर से नेचर से सीधे ही डायरेक्टली वी कैन गेट एनी काइंड ऑफ फैब्रिक फर्स्ट ऑफ ऑल वी गेट दिस फाइबर्स हमको पहले ये फाइबर्स मिलते हैं नेचर से ठीक है नेचर से और आर्टिफिशियल सोर्सेज से फिर हम इन फाइबर से डिजायर्ड फैब्रिक बनाते हैं ठीक है सो दे आर देर आर बेसिकली थ्री सोर्सेस ऑफ फाइबर्स प्लांट सोर्सेस एनिमल सोर्सेस एंड आर्टिफिशियल सोर्सेस दीज टू कम अंडर प्लांट एंड एनिमल सोर्सेस कम अंडर द नेचुरल सोर्सेस ऑल्सो ओके म एग्जाम्पल तो जो भी फाइबर्स प्लांट्स और एनिमल्स सोर्सेस से मिलते हैं उनको हम नेचुरल फाइबर्स बोलते हैं सो द फाइबर्स ऑफ सम फैब्रिक्स विच आर ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स ओके दीज टाइप्स ऑफ फाइबर्स विच आर ऑपटेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स दे आर नोन एज नैचुरल फाइबर्स इनके एग्जाम्पल्स क्या है कॉटन एंड जूट ओके नेचुरल फाइबर्स नेम से ही बता रहा है कि जो हमको नेचर से मिल रहे हैं ऐसे फाइबर्स ओके okay? नेचर से मतलब या तो प्लांट से मिलेंगे और वी शैल गेट फाइबर्स फ्रॉम द एनिमल्स द फाइबर्स विच वी ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स सम कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कॉटन एंड जूट यू आर वेरी फेमुलर विथ कॉटन कॉटन इज फाउंड इज वेरी प्रिवलेंट इन द वेस्टर्न इंडिया पार्टिकुलरली इन महाराष्ट्र एंड गुजरात बिकॉज ऑफ ब्लैक सॉइल ठीक है तो आप ये देखिए कि कॉटन का प्लांट है कॉटन बर्ड्स निकल के आ रहे हैं मैं थोड़ा इसको क्लियर करता हूँ येस दिस इज अ काटन प्लांट यू कैन सी कॉटन बर्ड्स आपको दिख रहे हैं

एनिमल से एक तो वुल एन सिल्क मिलते हैं okay? goat इनके बाल होते हैं इनको हम बोलते हैं -E -E है? जब थिक हेयर होते हैं आउटर हेयर आउटर थिक हेयर ऑफ एनी एनिमल इज नोन एज फ्लिस मोस्टली इन केस ऑफ शीप और गोट दो आपको दिख रहे हैं कितने घने बाल है हाउ डेंस आर देस आर नोन एज फ्लिस तो जब इनकी कटिंग करके आउटर बाल करते हैं और कुछ बाल ऐसे हेयर होते हैं जो कि इनकी स्किन पे अटैच होते हैं इनर स्किन पे उनको हम बोलते हैं फाइन हेयर्स ठीक है वो फाइन उन फाइन हेयर्स से हम जो कि इनर स्किन पे अटैच होते हैं इन एनिमल्स के उनसे हम बनाते हैं फाइबर्स ओके okay? तो दीज आर सम एनिमल्स एज यू कैन सी तो शीप के हेयर से रैबिट के हेयर से याक के हेयर से कैमल्स के हेयर से हमको वोल मिलता है ओके okay? और ये बहुत वार्म होता है वुल वुल इज अवेरी वार्म बिकॉज क्योंकि वुल्स के आप देखिए थिकनेस ज़्यादा होती है और ये एयर को ट्रैप कर लेता है अपने अंदर ठीक है सो दीज प्रोवाइड वार्म ओके सो नाउ सिल्क नाउ सिल्क इज सिल्क फाइबर इज ओपन फ्रॉम सिल्क वार्म कोकून ऑफ सिल्क वार्म हमने पढ़ा होगा प्यूपा के बारे में यस दिस इज द कोकून ऑफ सिल्क वाम आप देख रहे हैं इससे हमें सिल्क मिल रहा है सिल्क वाम कोकिन इट ये बोनता है सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फाइबर्स नाउ देन वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स सिंथेटिक फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर मेड आर्टिफिशियली मैन मेड फाइबर्स ओके दीज आर मैन मेड फाइबर्स आर्टिफिशियली और मैन मेड फाइबर्स ओके दीज आर मेडअप ऑफ केमिकल सब्सटांसिस एंड आर नॉट ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज इनके एग्जाम्पल्स आप देखिए नाइलन ये एक एग्जाम्पल है नाइलन फाइबर का आप देखिए जो आपके यहाँ नॉर्मली जो रोप है मोस्टली पहले के ज़माने में हम जूट की रोप यूज़ करते हैं जूट रोप इफ़ यू कैन आस्क योर पेरेंट्स पर आजकल हम ऐसी रोप यूज़ करते हैं इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ठीक है आपके जो स्कूल बैग्स हो गए दे आर ऑल्सो मिडअप ऑफ नायलन एंड पोलियस्टर होंगी ओके So these are some of the examples of synthetic fibers. Okay? Now, if you have seen this video, you have to answer these practice questions in your notebooks. Okay. All these questions are based on whatever we have learnt in this video. Okay. Thank you for watching this video.